नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी के बनबुलपुरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर से प्रसव कराने के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। आपको बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि इससे पहले भी उनके द्वारा इसे सील किया गया है, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से संबंधित झोलाछाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधि शुरू कर दी, जिसकी शिकायत के बाद क्लिनिक और बिल्डिंग सील कर दी गई है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहर में अन्य क्लिनिकों की भी जांच चल रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि झोलाछाप डॉक्टरों के झांसे में ना आए और अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाएं। कार्रवाई के आदेश अब दिए गए हैं और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक PM से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरी जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहाँ वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अभी तक महिला मौके से फरार है। पुलिस इसमें अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। जिस तरीके से इसमें भी दो लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, और इसके अलावा जो भी और इस तरीके से झोला छाप करके लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसमें और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहती हूँ कि जो हॉस्पिटल हैं हमारे, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और जो जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएँ। इस तरीके से लोगों की जाने जा रही हैं, उसमें आप सभी से भी सहयोग अपेक्षित है। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं, और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।